भले ही ये दोनों पूरी तरह से अलग बॉलीवुड एरा से जुड़े हों, लेकिन ये संयोग की बात है कि गुरुदत्त और संजीव कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े लेजेंड हैं और इन दोनों का जन्मदिन एक साथ यानी कि आज 9 जुलाई को होता था। कुछ कलाकार लम्हों में सदियां जीने के लिए आते हैं और गुरुदत्त और संजीव कुमार इन्हीं में से एक हैं। पहले हम बात करेंगे गुरुदत्त की। जी हाँ, गुरुदत्त को लोग आज भी अपनी यादों में जिंदा रखते हैं। गुरुदत्त का काम ऐसा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम की काफी तारीफें भी की गई थी। गुरुदत्त की लाइफ भी ट्रेजेडी से भरी हुई थी और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया था। लेकिन अपने पीछे वो अपनी कुछ यादगार फिल्में छोड़ गए, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम। तरफ अगर संजीव कुमार की बात की जाए तो उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर उनका शोले फिल्म में ठाकुर का किरदार, जो कि लोगों ने काफी पसंद भी किया। गुरुदत्त और संजीव कुमार दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे थे, लेकिन दोनों की ही लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी, फिर चाहे वो उनकी लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जिसका असर उनकी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी दिखने लगा था। भले ये दोनों लेजेंड्स आज हमारे बीच ना हो, लेकिन लोग आज भी उनको उनके काम की वजह से याद किया करते हैं। और भी ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उत्तर प्रदेश.org।